हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहेब आपका अपने मोहेब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं जो आपको मूवी दिखाने वाला हूँ, उस मूवी का नाम ब्लड स्टोन सब स्पीसीज 2 है। ये मूवी सब स्पीसीज मूवी की अगली कड़ी है। इस मूवी को मैंने एक्सप्लेन किया है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मूवी की शुरुआत फर्स्ट मूवी जिस वक्त से खत्म होती है एग्जैक्ट उसी वक्त से शुरू होती है। अभी तक आपने देखा कि फर्स्ट मूवी के एंडिंग में स्टीफन राडू के दिल में ब्लैक थॉर्न ट्री का नुकीला भाला घुसा देता है और फिर उसकी गर्दन को एक्स से काट कर उसके शरीर से अलग कर देता है और स्टीफन को लगता है कि राडू मर चुका है। फिर स्टीफन और उसकी वेम्पायर माँ सुखा मिशेल ये दोनों अलग अलग कॉफिन में सो जाते हैं क्योंकि सूर्य उदय होने वाला है। मूवी यहीं से आगे बढ़ती है। राडू की गर्दन और उसकी धड़ में अभी भी जान होती है। राडू के बोने जीव उसकी गर्दन को धड़ के पास लाते हैं और फिर वो जीव राडू के दिल में से ब्लैक थॉर्न ट्री का नुकीला भाला बाहर निकालते हैं। राडू का दिल पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, इसीलिए उसकी धड़ में जान होती है और वो धड़ अपनी गर्दन को फिर से जोड़ लेती है। राडू फिर से जिंदा हो जाता है। वैम्पायर्स को मारने का बेसिक नियम यह है कि उनका दिल पूरी तरह से नष्ट होना चाहिए। राडू का दिल पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, इसीलिए वो जिंदा हो जाता है। राडू जिंदा होने के बाद उस रूम में आता है जिस रूम में स्टीफन और मिशेल के कॉफिन है। उसके हाथों में ब्लैक थॉर्न ट्री से बना नुकीला भाला है। वो स्टीफन का कॉफिन ओपन करता है। वो स्टीफन से कहता है, सॉरी मेरे भाई, और एक कहकर राडू वो नुकीला भाला स्टीफन के दिल में घुसाता है। वो स्टीफन के दिल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है जिससे स्टीफन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। स्टीफन के हाथों में जो चीज है उसे ब्लड स्टोन कहते हैं। ये ब्लड स्टोन क्या है इसकी पूरी नॉलेज आपको फर्स्ट मूवी में मिलेगी। अब इतना जान लीजिए कि ब्लड स्टोन पवित्र खून का स्रोत है जिसमें से खून कभी खत्म नहीं होता। राडू स्टीफन को मारने के बाद मिशेल के कॉफिन के पास आता है। वो मिशेल को मारने ही वाला होता है कि तभी सूर्य उदय हो जाता है और राडू को वहां से भाग पड़ता है। राडू अपनी जगह पर जल्दी से आकर सो जाता है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि फर्स्ट मूवी वाली मिशेल को वापस से रिकास्ट नहीं किया गया। वैम्पायर्स दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, वैसा क्यों करते हैं कोई बता सकता है तो बताइए कमेंट करके। रात होती है, राडू जागता है, वो मिशेल के पास आने लगता है। इसी बीच मिशेल भी जाग जाती है। वो कॉफिन से बाहर आती है, वो देखती है कि उसका स्टीफन मर चुका है। वो जल्दी से ब्लड स्टोन लेकर वहाँ से निकलने लगती है। वो डोर के पास आती है, उसे राडू के आने की हार्ट सुनाई देती है। वो जल्दी से छिप जाती है। राडू वहाँ से निकलकर मिशेल वाले रूम में आने लगता है। मौका पाकर मिशेल वाडिलास कैसल से बाहर निकल जाती है। फर्स्ट मूवी के एंडिंग वाला पूरा सीन वाडिलास कैसल के अंदर ही हुआ था और अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब भी वाडिलास कैसल के अंदर ही हुआ है। राडू मिशेल वाले रूम में आता है। वहाँ से मिशेल और ब्लड स्टोन दोनों गायब थे। ये देखकर राडू काफी गुस्सा हो जाता है। राडू अपना गुस्सा स्टीफन के स्केलेटन पर उतारता है। मिशेल जल्दी से अपने रूम पर आती है और अपने कपड़े चेंज करके पासपोर्ट और टिकट लेकर वहाँ से निकल जाती है। राडू उसके रूम की तरफ आता है। वो सेफ्टी वॉल से रूम में देखता है और उसे रूम में मिशेल नहीं मिलती। मिशेल रेलवे स्टेशन की ओर जा रही है। राडू भी उसी ओर आता है। मिशेल रेलवे स्टेशन पर आकर ट्रेन में बैठ जाती है। राडू उसे ऐसा करते देख लेता है। ट्रेन वहाँ से चली जाती है। राडू ट्रेन को देख रहा होता है। मिशेल ट्रेन से बुकारेस्ट सिटी में आती है। राडू परछाई से उसका पीछा कर रहा है। मिशेल को भी इसका अंदेशा है। मिशेल जल्दी से भागकर एक होटल में आती है और वहाँ पर एक रूम बुक करती है और फिर अपनी सिस्टर रेबिका से फोन पर बात करती है। वो रेबिका को अपने पास बुकारेस्ट में बुलाती है। रेबिका कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं पहली फ्लाइट से आ रही हूँ। राडू होटल पर नजर रखा हुआ है। मिशेल अपने रूम में आती है। मिशेल ने अपने रूम में अंधेरा रखा है। राडू जहाँ से मिशेल पर नजर रखा हुआ है वही पास में चर्च होता है जिसके कारण राडू को वहाँ से भागना पड़ता है। राडू वहाँ से निकल कर अपनी मम्मी के पास आता है। हम उसकी मम्मी को
देख सकते हैं जो कि काफी डरावनी है। अब क्योंकि राडू इतने दिनों बाद अपनी मम्मी से मिला है तो वो अपनी मम्मी को गिफ्ट में अपने फादर वाडिलास का खून देता है। यहीं पर राडू अपनी मम्मी को बताता है कि स्टीफन और वाडिलास दोनों मर चुके हैं। स्टीफन राडू का सोतेला भाई होता है जबकि वाडिलास राडू का सगा पिता होता है। मम्मी ब्लड स्टोन के बारे में पूछती है। राडू कहता है वो मेरे पास नहीं है, वो मुझसे चोरी हो गया। मम्मी उसे ब्लड स्टोन लाने को कहती है और जिसके पास ब्लड स्टोन है उसे मारने को भी कहती है। राडू मम्मी से कहता है मैं ब्लड स्टोन तो ला दूंगा पर मैं मिशेल को नहीं मारूंगा क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। और व्यूअर आप भी हमारे वीडियो को लाइक या डिसलाइक करें प्लीज। मिशेल सोई हुई है, वो जागती है, उसे सूरज की रोशनी परेशान करने लगती है। वो सूरज की रोशनी से बचने के लिए वॉशरूम में आ बाथटब में सो जाती है। होटल स्टाफ रूम में आता है रूम की सफाई करने, उनमें से एक वॉशरूम में आता है। उसकी नजर मिशेल पर जाती है, वो मिशेल को देखकर चिल्लाती है क्योंकि उसे लगता है कि मिशेल मर चुकी है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, पुलिस मिशेल का एग्जामिनेशन करके उसे मरी हुई घोषित कर देती है। एक पुलिस अधिकारी जो इस केस का इंचार्ज होता है वो दूसरे अधिकारी को इस केस की जानकारी अमेरिकन एम्बेसी को देने को कहता है। मिशेल की बॉडी को एक काली थैली में पैक करके उसे होटल से बाहर लाया जाता है। उसकी बॉडी को गाड़ी में रखा जाता है, वो गाड़ी वहां से चली जाती है। पुलिस इंचार्ज को मिशेल के सामान में से ब्लड स्टोन मिलता है। सीन गाड़ी पर आता है, मिशेल काली थैली में से चिल्लाने लगती है। गाड़ी का एक व्यक्ति काली थैली को ओपन करता है, मिशेल उससे बाहर निकलती है। गाड़ी के ड्राइवर का ध्यान मिशेल पर होता है जिसके कारण गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाती है, यानी कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। मिशेल गाड़ी से निकलकर भाग जाती है। रात हो चुकी है, मिशेल को अब दिन में सोने के लिए एक अच्छी सी जगह सर्च करनी है जहाँ दिन में सोते वक्त उसे कोई परेशान ना कर सके। मिशेल को ऐसी एक जगह मिल जाती है जहाँ मिशेल आराम से सो सकती है। मिशेल को जगह पर एक बड़ा सा कांच का बॉक्स मिलता है जिसमें मिशेल सो जाती है। राडू ने वाडिलास और बाकी सबकी डेड बॉडीज जला दी है, यानी कि राडू बुद्धिमान तो है। हमें रेबेका दिखाई जाती है जो बुकारेस्ट में आ चुकी है, वो टैक्सी से होटल में आती है। ये होटल वही है जहाँ पर मिशेल रुकी थी। रेबेका होटल मैनेजर से मिशेल के बारे में पूछती है। होटल मैनेजर एक व्यक्ति को बुलाता है जो रेबेका से कहता है अब थोड़ा इंतजार कीजिए, आपसे कोई मिलने आएगा। तभी वहाँ पर पुलिस इंचार्ज आता है जो रेबेका को अपना इंट्रो देता है। इसके अलावा वहाँ पर मेल थॉमसन भी आता है जिसे अमेरिकन एम्बेसी ने भेजा है ताकि वो मिशेल की केस की छानबीन कर सके। मेल और पुलिस इंचार्ज रेबेका को मिशेल के बारे में बताते हैं। यहीं पर पुलिस इंचार्ज अपनी गलती के लिए मिशेल से माफी मांगता है। पुलिस इंचार्ज को लगता है कि उनकी गलती के कारण मिशेल गायब हो गई। यहीं पर पुलिस इंचार्ज रेबेका को ब्लड स्टोन भी दिखाता है और उससे पूछता है आप बता सकते हो ये क्या है। रेबेका कहती है मुझे नहीं पता ये क्या है। फिर रेबेका मिशेल का ब्लड स्टोन और बाकी का सामान रख लेती है। पुलिस इंचार्ज उससे कहता है हम आपकी सिस्टर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीन मिशेल पर आता है, वो कांच के बॉक्स से बाहर निकलती है। मिशेल होटल में फोन करके पता करती है कि रेबेका ने होटल में चेक इन किया कि नहीं। मिशेल को पता चल जाता है कि रेबेका होटल में आ चुकी है। अब क्योंकि मिशेल को भूख लगी है तो वो अपने शिकार की तलाश में निकलती है। उसे शिकार मिल जाता है, वो अपने शिकार का पीछा करती है। उसका शिकार क्लब में जाता है, मिशेल भी क्लब के अंदर जाती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब है और हमें आगे दिखाया जाता है कि मिशेल अपने शिकार को रिझा रही है। मिशेल उसकी नेक को काटने ही वाली होती है कि वो खुद को रोक लेती है और वो वहां से भाग जाती है। हो सकता है उसके अंदर का स्टीफन जाग गया हो। स्टीफन कौन था, इसका जवाब मूवी के फर्स्ट पार्ट में मिलेगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिशेल वापिस से कांच के बॉक्स में आ जाती है। इस पूरी मूवी में मिशेल को बेचारी टाइप बताया गया है। मेल और रेबेका प्रोफेसर से मिलने आते हैं। हमें इन तीनों के बीच मुलाकात दिखाई जाती है। प्रोफेसर उन दोनों को बताता है कि मिशेल और उसके दोस्त रेजिमेर शहर की कल्चर की स्टडी करने गए हैं और हमने पिछली मूवी में बताया था कि ये
तीनों दोस्त मिशेल, मारा और लिलियाना कॉलेज के स्टूडेंट है। रेबेका और मेल प्रोफेसर को लेकर उस जगह पर आते हैं जहाँ पर मिशेल और उसके फ्रेंड रुके थे, और उन्हें वहाँ पर मिशेल नहीं मिलती। प्रोफेसर कार्लो को भी बुलाता है पर कार्ल वहाँ पर नहीं होता है। ये तीनों मिशेल और उसके दोस्तों को सर्च करने लगते हैं। ये सर्च करते करते वाडिलास केसल के पास आ जाते हैं। प्रोफेसर रेबेका और मेल को वाडिलास केसल के अंदर ले जाता है। प्रोफेसर उन्हें वाडिलास केसल की कहानी भी बताता है। ये कहानी बड़ी है पर शॉर्ट में समझ लो, ये कहानी राडू, स्टीफन और उन दोनों के पिता वाडिलास के बारे में है। ये पूरी स्टोरी मूवी के फर्स्ट पार्ट में मिलेगी। प्रोफेसर उन दोनों को केसल के उस हिस्से में लाता है जहाँ पर फर्स्ट मूवी की एंडिंग की फाइटिंग हुई थी। राडू कॉफिन से बाहर आने लगता है। रेबेका इस केसल में मिशेल को ढूंढने लगती है। राडू खुद को छिपाते हुए इन तीनों से बात करने लगता है। वो कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के केसल में आने की? प्रोफेसर राडू को सॉरी बोलता है और कहता है, बस हम लोग जा रहे हैं। ये तीनों वाडिलास केसल से बाहर आ जाते हैं। रात हो चुकी है। राडू वाडिलास केसल से परछाई के रूप में बाहर निकलता है। वो इन तीनों का पीछा करता है। मेल सबसे पहले प्रोफेसर को ड्रॉप करता है और फिर वो रेबेका को उसके होटल के पास ड्रॉप करता है। होटल से कुछ दूरी पर मिशेल होती है जो रेबेका को देख रही है। मेल वहाँ से चला जाता है। अभी रेबेका की नज़र मिशेल पर जाती है और हमारी नज़र सब्सक्राइब बटन पर जाती है जिसे आप दबा नहीं रहे हो। प्लीज दबाओ यार। मिशेल देख कर वहाँ से भागने लगती है। रेबेका उसके पीछे आती है। राडू उन दोनों को देख रहा है। रेबेका मिशेल को रुकने को कहती है और आखिरकार एक लंबी दौड़ के बाद मिशेल रुक जाती है। रेबेका मिशेल से पूछती है, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है? मिशेल कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी रेबेका उसे ब्लड स्टोन दिखाती है और पूछती है, ये क्या है? मिशेल रेबेका से ब्लड स्टोन लेती है। राडू इन दोनों पर और ब्लड स्टोन पर नजर रखा हुआ है। मिशेल कहती है, रेबेका अब मुझे जाना होगा। तभी मिशेल की नज़र राडू पर जाती है। वो राडू का नाम लेकर वहाँ से चली जाती है। रेबेका की नज़र राडू की परछाई पर जाती है। रेबेका डरते हुए होटल की तरफ आती है। मिशेल ब्लड स्टोन से ब्लड पीती है। मिशेल को अब जाकर कुछ शांति मिलती है पर उसकी ये शांति अशांति में बदल जाती है क्योंकि वहाँ पर राडू आ जाता है। राडू वो ब्लड स्टोन मिशेल से ले लेता है और मिशेल कुछ खास प्रतिरोध नहीं कर पाती क्योंकि वो एक बिचारी सी लड़की है। राडू ब्लड स्टोन लेकर मम्मी के पास आता है। वो ब्लड स्टोन मम्मी को देता है और यहीं पर राडू अपनी मम्मी के सामने कन्फेस करता है कि उसे मिशेल से प्यार हो गया है। वो मिशेल को पाना चाहता है। सीन पुलिस इंचार्ज रेबेका और मेल पर आता है। रेबेका पुलिस इंचार्ज को मिशेल के बारे में बताती है पर पुलिस इंचार्ज उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। खैर तीनों कार से प्रोफेसर से मिलने आते हैं। प्रोफेसर उन्हें अपने पुस्तकालय में लाता है। वो उन्हें वाडिलास की पुस्तक ढूंढने को कहता है। ये सभी लोग पुस्तक को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार वो पुस्तक प्रोफेसर को मिल जाती है जिसमें किंग वाडिलास की कहानी है। प्रोफेसर को उस पुस्तक में से ब्लड स्टोन का स्केच मिलता है। ये तीनों उस स्केच को देखकर हैरान थे पर फिर भी मेल और इंचार्ज को ब्लड स्टोन की कहानी पर विश्वास नहीं होता है। प्रोफेसर कहता है, वाडिलास ये ब्लड स्टोन स्टीफन को देने वाला था, राडू इसे पाना चाहता था। रेबेका राडू का नाम सुनकर कहती है, यही नाम तो मिशेल ने नाइट में लिया था। मेल कहता है, रेबेका ये सिर्फ एक फेरी टेल है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सीन मिशेल पर आता है जो कांच के बॉक्स से निकलकर अपने शिकार की तरफ आती है। वो क्लब में आती है। शिकार उसके पास खुद चलकर आता है। इधर मेल रेबेका को होटल में ड्रॉप करता है। रेबेका मेल को बाई वाली किस देती है और होटल में चली जाती है। मिशेल शिकार को लेकर अपनी जगह पर आती है। मिशेल फिर से अपने शिकार को रिझाने लगती है। इस बार मिशेल अपने शिकार का शिकार कर लेती है, उसका खून पीती है। खून पीने के बाद मिशेल को रिग्रेट होने लगता है। रेबेका के रूम का फोन रिंग करता है। रेबेका फोन अटेंड करती है। फोन मिशेल का था। मिशेल रेबेका को पार्क में मिलने
उन्हें बुलाती है। रेबेका पार्क में आती है, उसे मिशेल मिल जाती है जो खून से लथपथ है। वो मिशेल को देख शोक में थी। मिशेल कहती है, मैंने उसे मार दिया, मैंने उसका खून पिया। तभी वहाँ पर राडू आता है। राडू मिशेल के पास आता है, वो मिशेल को अपने साथ ले जाता है। रेबेका ये सब देखती रह जाती है, वो अपनी सिस्टर के लिए कुछ नहीं कर पाती। राडू मिशेल को लेकर मम्मी के घर पर आता है। वो कहता है, आज का दिन हम यहाँ पर सोएंगे क्योंकि सूर्य उदय होने वाला है और रात होते ही हम वाडिलास केसल में जाएंगे। ये दोनों अलग अलग जगह पर सो जाते हैं। सुबह के सीन में प्रोफेसर रेबेका और मेल दिखाए जाते हैं। यहाँ पर रेबेका अपनी रात की पूरी कहानी मेल को बताती है, पर मेल को अभी भी रेबेका की बातों पर विश्वास नहीं होता है। वो इसे सब बकवास बताकर वहाँ से चला जाता है, पर प्रोफेसर को रेबेका की बातों पर विश्वास होता है। ये दोनों कार से मम्मी के घर के पास आते हैं। प्रोफेसर के पास वैम्पायर्स को मारने के सभी साधन होते हैं। ये दोनों घर के अंदर आते हैं। प्रोफेसर गेट पर लिखी चेतावनी पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, ये एक शापित जेल है जिसमें इंसानों का जाना मना है, तो अब हम इसे जेल कहेंगे। पर इस चेतावनी को ये दोनों इग्नोर करते हुए जेल में आते हैं। ये दोनों राडू और मिशेल को ढूंढने लगते हैं और इन दोनों को राडू और मिशेल मिल जाते हैं। प्रोफेसर इन दोनों को देखकर हैरान था। प्रोफेसर राडू को मारने लगता है कि तभी मम्मी आकर उसे मार देती है। मम्मी रेबेका को पकड़ लेती है। मिशेल जागती है, वो रेबेका के पास आती है। मम्मी और राडू रेबेका को वैम्पायर बनाने की फिराक में है। मिशेल उन्हें रुकने को कहती है, उन दोनों के पास आती है। राडू रेबेका को काटने लगता है, पर मिशेल अपने पास पड़े चाकू को लेकर जो कि राडू का होता है, वो चाकू राडू के फेस पर घोप देती है। राडू चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। मम्मी मिशेल पर अटैक कर देती है। रेबेका खड़ी होती है। मिशेल मम्मी को अपने से दूर करती है। वो मम्मी को आग से जला देती है और मम्मी जलते हुए भाग जाती है। राडू रेबेका को पकड़ लेता है। तभी मिशेल चाकू लेकर राडू को मारने आती है, पर राडू गायब हो जाता है, पर चाकू उसकी परछाई में लगता है, जिससे राडू भाग नहीं पाता। मिशेल चाकू राडू के दिल में घोपती है। वो चाकू से उस पर लगातार हमला करती है, जिससे राडू वहीं पर गिर जाता है। ये दोनों बहनें वहां से जाने लगती है, पर राडू मिशेल का पैर पकड़ लेता है, माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए। पर रेबेका इस बार लोहे का नुकीला भाला राडू के दिल में घुसा देती है। क्या लगता है इस बार राडू मर गया? मुझे नहीं पता। ये दोनों बहनें जेल से बाहर आने लगती है। रेबेका तो बाहर आ जाती है, पर मिशेल नहीं आ पाती क्योंकि बाहर सूरज की रोशनी है। रेबेका मिशेल से कहती है, मैं रात होने तक तुम्हारा बाहर वेट करूंगी। मिशेल जेल के अंदर जाने लगती है, पर ये क्या, राडू की मम्मी आकर मिशेल को अपने साथ ले जाती है, बिचारी मिशेल। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।